favor may say aye. Aye. The Om Birla, a member of this house, be chosen as the Speaker of this house. नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। संसद के लोकसभा सदस्य का चुनाव संपन्न हो गया है। ओम बिरला एक बार फिर से ध्वनि मत से संसद के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों मिलकर अध्यक्ष ओम बिरला को उनके आसन तक लेकर गए। चुनाव पूरा होने के बाद लोकसभा में जिस तरह से माहौल दिख रहा है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि संसद का सत्र आने वाले दिनों में हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि संसद के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसने अपने आप में काफी कुछ कह दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार एनडीए की सरकार का गठन हुआ। पीएम मोदी का ये तीसरा कार्यकाल कई मायनों में अहम और यादगार रहने वाला है। इसकी शुरुआत संसद के स्पीकर पद के चुनाव के दौरान ही दिख गया। आजाद भारत के इतिहास में ये दूसरी बार हुआ जब स्पीकर पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बात नहीं बनी और नौबत चुनाव कराने की आ गई। जिस परंपरा को हमने प्रस्थापित करने का निरंतर प्रयास किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है, और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में दोनों पक्ष के बीच बात नहीं बनी। सत्ता पक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि विपक्ष शर्त के आधार पर स्पीकर के चुनाव का समर्थन करेगा। हालात ऐसे बन गए कि नौबत चुनाव कराने तक की आ गई। इलेक्शन होगा, परिणाम की प्रतीक्षा करिए। बिरला जी का पूरा पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि कैंडिडेट जो उनकी तरफ से भी उतरा हुआ, इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी। अब जो सोच रहे हैं आप, सही सोच रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि संसद के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को मिले, जिस पर सत्ता पक्ष राजी नहीं हुआ। हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई, चुनाव तो होने वाला है, इसीलिए तो नॉमिनेशन डाले हैं, और जब नॉमिनेशन डालते हैं तो चुनाव के लिए ही डालते ना। कुछ रात को कुछ बातचीत सर, कुछ आइस ब्रेकिंग कह रहे हैं कि शायद आपको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट पे अभी भी आप लोग खड़े हुए हैं सर। नहीं, अब तो बातचीत ही नहीं तो सवाल उठता नहीं। तमाम आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी के बीच संसद के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष की ओर से केरल से सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया। बुधवार को नए संसद में एक नया इतिहास भी लिख दिया गया, जब संसद में ध्वनि मत से हुए चुनाव में ओम बिरला को अध्यक्ष पद के लिए चुन लिया गया। स्पीकर के चुनाव के बाद लोकसभा से ऐसी तस्वीर आई जो एक स्वस्थ लोकतंत्र होने का परिचय देती है। ओम बिरला के स्पीकर चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ओम बिरला के पास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और दोनों ओम बिरला को उनके आसन तक छोड़ने भी गए। वैसे इस दौरान विपक्ष में बयानबाजी का दौर लगातार जारी था। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक तरफ जहां विपक्ष को भारत की आवाज बताया, तो दूसरी तरफ इशारों ही इशारों में जो बातें कही, उससे इतना तय है कि आने वाले वक्त में संसद का सत्र हंगामेदार रह सकता है। कॉन्फिडेंट दैट यू विल अलाउ अस टू रिप्रेजेंट आवर वॉइस, अलाउ अस टू स्पीक, अलाउ अस टू रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। स्पीकर सर, द क्वेश्चन इज नॉट
how efficiently the House is run. The question is, how much of India's voice is being allowed to be heard in this country? Yeah. So the idea, Speaker Sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. संसद सत्र के पहले ही दिन से जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच मजाकिया अंदाज में ही सही बयानबाजी होती रही, उससे ऐसा लग रहा है कि संसद के अंदर आने वाले समय में टकराव जोरदार हो सकता है। और ये अखिलेश यादव के उस बयान से नजर आता है जो उन्होंने ओम बिरला को स्पीकर चुने जाने पर बधाई देने के बाद अपने भाषण में कही। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। ओम बिरला का बतौर स्पीकर ये दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी उन्होंने स्पीकर का दायित्व संभाला था और इस बार भी राजस्थान के कोटा से तीसरी बार सांसद चुने जाने के बाद एनडीए ने उन्हें लगातार दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनाया। पीएम मोदी ने भी उनकी तारीफ करते हुए कई अहम बातें कही और उनके पिछले कार्यकाल की याद दिलाकर जमकर तारीफ भी की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ज्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। संसद का सत्र इस बार कई मायनों में बेहद अहम रहने वाला है और इसकी एक वजह ये भी है कि एक तरफ जहां पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला विपक्ष नई ऊर्जा से भरा हुआ है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के लिए भी ये कार्यकाल कई मायनों में अहम है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस 2047 तक विकसित भारत का टारगेट रखा है, उससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी इसी संसद से कई ऐसे फैसले ले सकते हैं जो स्वर्णिम भारत के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल में नया मंत्री कौन होगा, इसका खाका लगभग तैयार हो चुका है। दो मंत्रियों के नाम पर चर्चा चल रही है, इसी पर हमारी रिपोर्ट देखिए। तो हो गया फाइनल, नए मंत्री का शपथ ग्रहण जल। आलमगीर की जगह अगला मंत्री कौन, इस विधायक की बदल सकती है किस्मत। इरफान अंसारी और बैजनाथ राम को मिलेगा मौका। झारखंड की राजनीति में अब सबकी नजर इस बात पर है
कि चंपाई सरकार में आलमगीर आलम की जगह कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा और कब तक चंपाई मंत्रिमंडल को नए मंत्री मिलेंगे। उसे आप लोग बहुत जल्दी हो जाएगा, नजदीक में है क्या इस हफ्ते में इसके बहुत नजदीक है, बहुत जल्द हम यह कह सकते हैं कि मंत्री पद का शपथ ग्रहण जो है राज्य में होगा। सूत्रों के मुताबिक 28 जून को दो मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है, अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी और एससी कोटे से बैजनाथ राम के नाम पर चर्चा चल रही है। तो कीर्तिमान विभाग में स्थापित कर दूंगा मैं, कहना चाहता हूं आपको, अगर ऐसा हुआ, अगर पार्टी ने जवाबदेही दिया तो पार्टी हम कहेंगे कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता खुश हो जाएगा, युवा खुश हो जाएगा हमारा, और भाजपा का नामो निशान हम मिटा देंगे यहाँ से। झारखंड में नए मंत्री पद के शपथ पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा, सरकार सिर्फ आश्वासन पर टिकी हुई है। हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार में एक भी शेड्यूल कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट का कोई मंत्री नहीं है, आपको शेड्यूल कास्ट से भी मंत्री देना चाहिए। इरफान अंसारी कौन है चलिए जानते हैं। जामतारा से कांग्रेस विधायक हैं। पहली बार 2014 में जीते थे चुनाव, फिर 2019 में भी चुनाव जीते, झारखंड में मुस्लिम समाज का बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पेशे से डॉक्टर हैं इरफान अंसारी। कैसे शिक्षक से राजनीति के शीर्ष तक पहुंचे बैजनाथ राम, चलिए ये जानते हैं। 2000 में बैजनाथ राम ने राजनीति में कदम रखा, पहली बार जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ा, 2005 में बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के टिकट पर लातेहार से चुनाव जीते और शिक्षा मंत्री बने साल 2009 में। उन्हें बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया लेकिन वो हार गए। साल 2014 का विधानसभा चुनाव बैजनाथ राम नहीं लड़े थे, 2019 में बीजेपी ने नहीं दिया टिकट तो जेएमएम में शामिल हो गए। देखना होगा कि चंपाई मंत्रिमंडल में कौन कौन नए मंत्री बनते हैं, क्योंकि अगर बैजनाथ शपथ लेते हैं तो 12वें मंत्री का पद भी पूर्ण हो जाएगा। रांची से न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। मानसून ने बिहार में अभी सही से दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन शुरुआती बारिश ने ही कई जिलों में जल जमाव जैसी हालत पैदा कर दी है, जिसने बारिश को लेकर प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही ये बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है, चाहे अस्पताल हो या फिर मोहल्ला, मानसून की पहली ही बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बिहार में आसमान से बरसती आग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच अच्छी खबर ये है कि मानसून बहुत जल्द पूरे राज्य में राहत की बारिश बरसाने वाली है। कई जिलों में छिटपुट बारिश की खबरें भी आ रही हैं। मतलब मानसून की अभी अच्छे से शुरुआत तक नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश में ही प्रशासन और नगर निगम के दावे हवा हवाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल की, जहां हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीज आते हैं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपको हैरानी हो रही होगी कि अस्पताल जैसी जगह में, जहां लोग अपनी और अपनों की जान बचाने के लिए पहुंचते हैं, वहां की हालत ऐसी है कि मरीज के लिए अस्पताल के अंदर जाना भी मुश्किल नजर आता है। मानसून की पहली बारिश ने मॉडल सदर अस्पताल की ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है और अस्पताल परिसर इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में भी पानी घुस चुका है और देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रेचर पर मरीज हैं और जो लोग हैं वो लेकर जा रहे हैं। जिस मॉडल अस्पताल के सहारे इलाके के लाखों लोग हैं, वो खुद ही मुसीबत में घिरा हुआ नजर आ रहा है।
चाहे इमरजेंसी वार्ड हो या फिर मरीजों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। और ये हालत तब है जब मॉनसून की पहली बारिश हुई है। मरीज के लाने में देख रहे हैं, ये मरीज को ले जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। पता नहीं कौन सा करोड़ का बिल पास हुआ था बनाने के लिए, और बना पता नहीं पानी नहीं निकल रहा है, बिल पास हो गया है। मरीज को लेकर आए हैं? हाँ, मरीज को लेकर आए थे, एक्सीडेंट केस था और बहुत परेशानी हुई है। पानी में 5-6 बार आए गए हैं, OTP उधर बना है तो इमरजेंसी इधर है, बहुत दिक्कत। हाँ, बहुत अंदर जाकर देखिए ना, घुस गया पानी। अब जरा इस ऑक्सीजन जनरेट करने वाली मशीन को देख लीजिए, जिसका आधा हिस्सा पानी में डूब चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये मशीन ऑक्सीजन जनरेट करने की स्थिति में है, और अगर ऐसे में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सदर अस्पताल का जो कंडीशन है आप देख सकते हैं, कैसे ये पानी लगा हुआ है, पानी लगा, पेशेंट आप देख रहे हैं कैसे पेशेंट जा रहे हैं ये पानी में चल के। ड्रेनेज सिस्टम खराब है। हाँ, आप बताइए अगर उसमें आप चलिएगा, कहाँ नाला है, क्या है, आप देख रहे हैं और जानते हैं कभी खतरा है। हाँ, आप उसी में गिरिएगा, फिर टूटिएगा। बगल में सदर अस्पताल है, यहाँ पे इलाज करवाइए और फिर प्लास्टर करवाइए, अपने घर जाइए। प्रशासन हर बार दावा करता है कि बारिश से पहले उसके निकालने की व्यवस्था कर ली जाएगी, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई है? अस्पताल में भरा ये पानी उसी बात का सबूत है। हालांकि प्रशासन मोटर लगाकर पानी को बाहर निकाल रहा है, लेकिन सोचिए कि ये तो अभी मॉनसून की शुरुआत ही है, और बारिश के मौसम में हर दिन बारिश होगी, तो क्या मोटर से पानी निकाल पाना संभव होगा? अस्पताल के बाद अब जरा गोपालगंज शहर के रिहायशी इलाकों का भी हाल देख लीजिए, जहां हल्की बारिश में ही 2 से 2.5 फुट पर पानी जमा हो गया है। क्या सड़क, क्या दुकानें, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। पहली ही बारिश में हालात ऐसे बन गए हैं कि पानी जमा होने से मार्केट की दुकानें बंद करनी पड़ गई। गोपालगंज में मॉनसून की पहली बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है, और ड्रेनेज सिस्टम खराब होने की वजह से VIP मोहल्लों में घुटने भर पानी लग गया है। और ये तस्वीर है गोपालगंज के थाना रोड की, जो थाना रोड से ब्रह्मचौक तक आने वाली जो सड़क है, उस सड़क की ये तस्वीर है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर घुटने भर पानी लग चुका है, यानी कि 2 से 2.5 फुट तक पानी सड़क पर इस वक्त बह रहा है। जो आसपास में दुकानें हैं, दुकानदार हैं, मोहल्ले के लोग हैं, वो खासकर परेशान हैं। यहाँ हालात कितने बिगड़ गए हैं, इस बात का अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं कि जलजमाव की वजह से स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं पानी नहीं निकलने की वजह से यहाँ लोगों ने खुद ही बांस की बैरिकेडिंग लगा दी है, ताकि कोई हादसा ना हो। 2 बार कंप्लेन करने के बाद नाला का निर्माण हुआ, जो काफी लागत से बना हुआ है, और पहले से स्थिति बदतर हो चुकी है। सारे लोगों के अंदर घर में पानी घुसा हुआ है, और हमने श्रीमान को बोला है कि आकर अपने से निरीक्षण कर लीजिए, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रहा। पलक प्राधिकार जी बोला हुआ गया है, और इसका जो है ना, हम लोग बदतर स्थिति बना हुआ है, सारे मोहल्लावासियों जो है आक्रोश में है। सड़कों और मोहल्लों में भी पानी भरने से स्थानीय लोग तो परेशान है ही, मार्केट बंद होने से लोगों को आर्थिक तौर पर भी नुकसान हो रहा है। यहाँ की जनता का मांग था कि दोनों तरफ का नाला का निर्माण हो जाए, जिससे पानी का निजात हम लोगों को मिल जाएगा। हम लोगों ने दोनों तरफ का नाला का निर्माण करवा दिया, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है। हम लोग प्रयासरत हैं। अब जरा गोपालगंज से लगा हुआ इलाका वाल्मीकि नगर की ये तस्वीर देखिए, जहां बारिश शुरू होते ही पहाड़ों से एक तरफ भूस्खलन जारी है, और बारिश का पानी सड़क के रास्ते इस तरह से तराई वाले इलाके में जा रहा है, मानो ये सड़क नहीं बल्कि यहाँ नदी बह रही है, जिससे इस सड़क से गुजरने वाली गाड़ियाँ रोक दी गई है। इस तरह के भूस्खलन और सड़कों पर तेज बहाव से पानी गुजरने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को भी काफी खतरा हो सकता है। इसके बाद अब जरा अररिया की इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहाँ आश्रम मोहल्ला रोड पहले ही बारिश में जलमग्न हो गया, जिससे एक तरफ जहाँ स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, तो दूसरी तरफ इस रोड से गुजरने वाली गाड़ियाँ, चाहे मोटरसाइकिल हो या फिर कार या फिर रिक्शा ही क्यों ना हो, सबको परेशानी हो रही है। अररिया में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद जो है अररिया शहर में नारकीय स्थिति बनी हुई है। तस्वीर दरअसल अररिया के पौश इलाके आश्रम मोहल्ले की है, जहाँ पर भीषण जलजमाव की समस्या से लोग परेशान हैं, और तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जलजमाव की वजह से जो बाइक सवार हैं, जो रिक्शा चालक हैं, और जो यहाँ के शहरवासी हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। और अररिया नगर परिषद द्वारा जो है
बिल्कुल यहाँ पर तैयारी नहीं नजर आ रही है और अररिया नगर परिषद जल जमाव को लेकर कितना तैयार है वो तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। अररिया नगर परिषद करोड़ों रुपए लगाकर नाले का निर्माण तो करवा दिया है, लेकिन जिस तरह से हल्की बारिश में पूरी सड़क जलमग्न हो गई है, ऐसे में सवाल तो उठेगा कि उस करोड़ों रुपए से बनाए गए नाले का क्या फायदा, जिससे मोहल्ले का पानी तक बाहर न निकल सके। जलमाल लेके इतना ज्यादा परेशानी है कि अभी गाड़ी लेके टपने में हमको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए यहाँ तक पानी आ गया था, थोड़ा सा अगर कहीं गड्ढा रहता बीच में तो हम गाड़ी लेके गिर भी सकते थे। अब जरा अनुमान लगाइए कि ये स्थिति तब है जब बारिश अभी पूरी तरीके से शुरू भी नहीं हुई है। कई जिलों में तो लोग गर्मी से परेशान है। ऐसे में एक तरफ जहाँ इस बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन सड़कों, अस्पतालों और मोहल्लों में पानी जमने से मुसीबत भी बढ़ गई है। ऐसे में नगर निगम के अधिकारियों के उन दावों पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जिसमें वो हर बार बारिश का पानी निकालने के लिए व्यवस्था करने का दावा करते हैं, लेकिन अफसोस की हर बार पहली ही बारिश में वो दावे पानी में ही बह जाते हैं। गोपालगंज से गोविंद कुमार, अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।